बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मेमोरी के अंदर किस तरीके से डाटा को स्टोर किया जाता है और किस तरीके से मेमोरी के अंदर से डाटा को रिट्रीव यानी निकाला जाता है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रजिस्टर्स। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरीके से सीपीयू रजिस्टर्स के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जितना भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को प्रोसेस करना होता है, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस पहले मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। अगर वो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क वगैरह में भी होगा, वो सब भी पहले मेन मेमोरी में लोड होगा, फिर ही सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा वन बाय वन हर एक इंस्ट्रक्शन को। अब अगर आप इस तस्वीर में भी देखें तो मेन मेमोरी सीपीयू से फासले पर मौजूद है और मेन मेमोरी सीपीयू की निस्बत स्पीड में स्लो भी है। इसीलिए सीपीयू तो तेजी से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, लेकिन मेन मेमोरी उसको आहिस्ता आहिस्ता इंस्ट्रक्शन देती है, जिसकी वजह से सीपीयू का ज्यादा टाइम फारिग रहता है। और दूसरी वजह यह है कि सीपीयू और मेमोरी एक दूसरे पर फासले पर मौजूद है, तो इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के पास पहुंचने में भी वक्त लगता है। इसीलिए सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो हो जाती है मेमोरी की वजह से भी और मेमोरी और सीपीयू के डिस्टेंस की वजह से भी। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, यहाँ सीपीयू को दो मेन प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। पहला है मेमोरी की स्पीड, और उस प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी प्रोसेसिंग स्लो होती जा रही है। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो है मेमोरी की स्पीड, और दूसरा प्रॉब्लम है सीपीयू और मेमोरी का एक दूसरे से फासला। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स क्या है? ये टेम्पररी स्टोरेज एरियाज हैं, यानी ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि कुछ वक्त के लिए अपने अंदर डेटा को रखती है। और ये कहाँ मौजूद होती है? ये सीपीयू और मेमोरी के बीच में लगाई जाती है, और ये सीपीयू की चिप पर ही लगी होती है। और इसका काम होता है कि जो भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को प्रोसेस करने होते हैं, वो पहले से मेमोरी से निकाल लिए जाते हैं और रजिस्टर्स में रख दिए जाते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका फायदा क्या हुआ, यानी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को रखने का फायदा क्या है। दोस्तों, इसकी मिसाल आपके घरों में भी मौजूद है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें जल्दी खाना पकाना होता है, तो हम जो जो चीजें हमें अपने खाने में डालनी होती है, उनको फ्रिज से निकाल लेते हैं और फ्रिज से निकाल कर इस तरह की किचन स्लेब पर रख देते हैं। क्यों? ताकि हमें बार बार फ्रिज के पास जाना नहीं पड़े। जिसका फायदा क्या हुआ कि हमारा टाइम बच गया और आप जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए खाना तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में फ्रिज है मेन मेमोरी जिसमें तमाम डाटा और इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, और आप हैं सीपीयू, क्योंकि आपने आपके किचन और फ्रिज के दरमियान काफी फासला है, क्योंकि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान भी बहुत फासला होता है। तो आप अपने वक्त को बचाने के लिए बीच में ले आते हैं इस स्लेब को, और ये स्लेब क्या है? ये है रजिस्टर्स। जिस तरह स्लेब पर आप टेम्पररी तौर पर उन चीजों को रखते हैं जो कि आपको यूज करनी होती हैं, और जब आप खाना तैयार कर लेते हैं तो दोबारा से उनको फ्रिज में रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रजिस्टर्स भी थोड़ी देर के लिए इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रख लेते हैं, और जब सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर लेता है तो दोबारा से उन्हें मेमोरी में रख देते हैं। और इन रजिस्टर्स को रखने का फायदा क्या हुआ? सीपीयू को बार बार मेमोरी से डाटा नहीं लाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सा उसका वक्त लगता था। उसके अपने ही किचन में रजिस्टर्स हैं, उसमें से इंस्ट्रक्शन को उठाया और प्रोसेस कर लिया, और इस तरह सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से सीपीयू हेल्प रजिस्टर्स हेल्प करते हैं सीपीयू को उसके प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में। और दोस्तों, रजिस्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है। दोस्तों, ये फास्टेस्ट इसलिए भी होती है क्योंकि ये सीपीयू के चिप पर ही लगे होते हैं, यानी इनका डिस्टेंस
सीपीयू से सबसे ज्यादा कम होता है। अब आप इस तस्वीर को देखें दोस्तों, ये है हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज, इसके बाद है मेन मेमोरी, फिर है कैश मेमोरी, और फिर है रजिस्टर्स, और फिर है सीपीयू। अब सेकेंडरी स्टोरेज सीपीयू से सबसे ज्यादा फासले पर है, तो इससे डेटा को निकालने में सीपीयू को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, यानी सेकेंडरी स्टोरेज सबसे ज्यादा स्लोएस्ट मेमोरी है। फिर है मेन मेमोरी यानी आपकी रैम, जिसे सीपीयू को डेटा निकालना है, तो जो कि सेकेंडरी स्टोरेज की निस्बत इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज से थोड़ा सा करीब रखी है सीपीयू के। और इसके बाद है कैश मेमोरी, उससे थोड़ा और कम टाइम लगेगा, और आखिर में है रजिस्टर्स, जो कि सीपीयू की चिप पर ही लगे होते हैं, तो इनसे डाटा को निकालने में सीपीयू को सबसे ज्यादा कम टाइम लगेगा। सो इसीलिए वी कैन से द रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी। अब सेकेंड पॉइंट है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी, यानी ये बहुत कम डाटा को स्टोर कर सकती है। दोस्तों मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क में तो तमाम ही डाटा, आपके पूरे कंप्यूटर का डाटा मौजूद है, और कैश मेमोरी में वो डाटा है जो कि सीपीयू बार बार यूज कर रहा होता है, तो उसमें भी जो डाटा होगा वो किलोबाइट्स में ही होगा। लेकिन रजिस्टर्स तो सिर्फ एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, और वो भी कौन सी इंस्ट्रक्शन, जो कि सीपीयू को प्रोसेस करनी होती है, और उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर्स की जुबान में कहा जाता है वर्ड, यानी ये एक वक्त में सिर्फ एक वर्ड को स्टोर कर सकते हैं, और उस वर्ड और वो वर्ड 1 byte हो सकता है, यानी एक इंस्ट्रक्शन कितने बिट्स की हो सकती है, वो 8 bits की हो सकती है, 16 bits की हो सकती है, 32 bits की हो सकती है, या फिर 64 bits की, इससे ज्यादा की तो नहीं हो सकती। तो एक वक्त में आपका रजिस्टर भी सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को रखता है, तो जितना इंस्ट्रक्शन का साइज होगा उतना ही आपके रजिस्टर्स का भी। अब इंस्ट्रक्शन 8 बिट की है, तो आपके रजिस्टर का साइज भी 8 बिट ही होगा। और अगर मेन मेमोरी या फिर कैश वगैरह को देखें, तो इनमें लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में रखी जा सकती हैं, जिसके जबकि रजिस्टर में सिर्फ एक, तो इसीलिए इसे सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट मेमोरी कहा जाता है आपके कंप्यूटर की। और दोस्तों हर कंप्यूटर में अलग अलग तरह के रजिस्टर्स अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और याद रखिए, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके कंप्यूटर में ज्यादा होंगे, उतना ही आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में भी इजाफा होगा, क्योंकि रजिस्टर्स ही तो सीपीयू की परफॉर्मेंस स्पीड को, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम जिन रजिस्टर्स को अपने इन लेक्चर्स में कवर करेंगे वो है MAR रजिस्टर, मेमोरी एड्रेसिंग रजिस्टर, MBR रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला रजिस्टर है, इसमें MAR रजिस्टर। दोस्तों ये है मेमोरी, और अगर मेमोरी में सीपीयू को कोई डाटा डालना है या फिर निकालना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब सीपीयू को उस डेटा का एड्रेस पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इंस्ट्रक्शन I2 है जिसको सीपीयू ने प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले सीपीयू को उसका एड्रेस पता होगा, तभी सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन तक पहुंचेगा। दोस्तों इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर किसी को आपके घर का एड्रेस पता होगा, तभी तो वो आपके घर तक यानी आप तक पहुंच सकेगा। तो ऐसे ही सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है, पहले उसका एड्रेस पता होना चाहिए, और वो एड्रेस रखा जाता है इस MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब फ्रेंड्स, इससे हमें एक बात और पता लगी कि रजिस्टर्स में हम डेटा को तो टेम्पररी स्टोर कर ही सकते हैं, साथ के साथ एड्रेसेस को भी रजिस्टर्स में स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर है इसी रजिस्टर से रिलेटेड, वो है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर। दोस्तों अभी हमने देखा कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा जाएगा जो कि सीपीयू को एग्जीक्यूट करनी है, और अब जब एड्रेस आपके पास आ गया, तो अब चाहिए उस एड्रेस पर मौजूद डाटा, और वो डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है, वो डाटा स्टोर किया जाता है आपके इस मेमोरी बफर रजिस्टर में। अगर ये इंस्ट्रक्शन है I2 जो कि
1001 लोकेशन पर मौजूद है, यानी 1001 एड्रेस पर स्टोर है, और सीपीयू को इसको एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पहले इसका एड्रेस स्टोर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, देन वैल्यू स्टोर होगी मेमोरी बफर रजिस्टर में। इसके बाद जो तीसरा रजिस्टर है वो है प्रोग्राम काउंटर। दोस्तों प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन, यानी एक इंस्ट्रक्शन तो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद जो इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इस रजिस्टर यानी प्रोग्राम काउंटर में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेमोरी में चार इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं और सीपीयू इस वक्त I1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो I1 के बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन सीपीयू प्रोसेस करेगा वो है I2। तो इस वक्त प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होगा इस I2 का एड्रेस जो है 1002, यानी उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि सीपीयू प्रोसेस कर नहीं रहा बल्कि प्रोसेस करने वाला है। अब I1 को प्रोसेस कर लिया, अब बारी आई है I2 की। तो जैसे ही सीपीयू I2 को लेकर जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगी I3 के एड्रेस की वैल्यू जो है 1003। यानी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती जाएंगी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में भी एक का इजाफा यानी एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। पहले जब 1002 थी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, अब हो गई है 1003, यानी इन दोनों में एक का इंक्रीमेंट हो गया। तो दोस्तों इसीलिए वी कैन से कि एज सून एज द इंस्ट्रक्शन फेच्ड द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 व्हिच इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों यकीनन आपको प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला रजिस्टर है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है वो पड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेमोरी बफर रजिस्टर ने तो डेटा पड़ा हुआ था और यहाँ इंस्ट्रक्शन, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ये एक इंस्ट्रक्शन है A+B, तो यहाँ A और B की कुछ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल A की वैल्यू 5 होगी, B की वैल्यू होगी 10, और बीच में मौजूद है प्लस, तो ये है एक पूरी इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन में और इस इंस्ट्रक्शन में A और B क्या है, ये है डेटा, और ये डेटा मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह A की वैल्यू मौजूद होगी, कहीं पड़ी हुई होगी मेमोरी के अंदर, इसी तरह B की वैल्यू कहीं रखी होगी। तो दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, ऑपकोड, ऑपकोड में होगा प्लस मल डीआईवी सब, यानी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये वो फंक्शंस हैं जो कि ए और बी के दरमियान हो रहे होंगे, और ऑपरेंड एड्रेस में रखा हुआ होगा ए और बी का एड्रेस। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन दोनों के दरमियान ऑपकोड क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ क्या आया, इन दोनों ऑपरेंड्स का एड्रेस। अब A का एड्रेस अगर आप देखें तो A का एड्रेस है 1000, वो आ गया, और B का एड्रेस है 1001, तो ये आ गया। यानी अब जैसे ही CPU इस इंस्ट्रक्शन के पास आएगा, इस रजिस्टर को देखेगा, तो सबसे पहले वो 1000 के पास जाएगा, यानी 1000 एड्रेस पे जाएगा, 1000 एड्रेस पर उसको मिलेगी ये वैल्यू 10, फिर उसके बाद ये इन फिर इस 1001 के पास जाएगा और वहां इसको वैल्यू मिलेगी 5, और ये इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या करेगा, क्या फंक्शन अप्लाई करेगा, ये इन दोनों के दरमियान इस प्लस का फंक्शन अप्लाई करेगा, यानी इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देगा, और ये कौन करेगा, ये करेगा सीपीयू। इन शॉर्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन होती है जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और यही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सीपीयू को ये भी बताता है कि इंस्ट्रक्शन में आखिर किस चीज को प्रोसेस करना है, आया प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, लॉजिकल ऑपरेशन करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, ये भी ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बताता है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला रजिस्टर है वो है टेम्पररी रजिस्टर। दोस्तों टेम्पररी रजिस्टर कुछ भी नहीं है, ये बस सीपीयू
या मेमोरी से आने वाले डेटा को टेम्पररी अपने पास रखता है। जैसे सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है 1+2, तो इसका रिजल्ट 3 मेमोरी को देने से पहले सीपीयू इसको टेम्पररी रजिस्टर में रख देगा। यानी टेम्पररी रजिस्टर थोड़ी देर के लिए डेटा को अपने पास रखता है सीपीयू या फिर मेमोरी को देने से पहले। इसके बाद अगला रजिस्टर है इनपुट रजिस्टर। दोस्तों इसका भी एज सच सीपीयू या फिर मेमोरी से कोई खास लिंक नहीं होता। ये इनपुट डिवाइसेस जैसे के कीबोर्ड माउस से आने वाले डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को अपने पास होल्ड करता है। तो दोस्तों ये था इनपुट रजिस्टर, जिसको INPR रजिस्टर भी कहा जाता है। इसके बाद इसी की तरह का है आउटपुट रजिस्टर, जिसको OUTR रजिस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों जिस तरह इनपुट रजिस्टर इनपुट डिवाइसेस से आने वाले डेटा को स्टोर करता है अपने पास, इसी तरह आउटपुट रजिस्टर आउटपुट डिवाइसेस से आने वाले डेटा को अपने पास स्टोर करता है, होल्ड करता है, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ रजिस्टर्स, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम बाकी रजिस्टर्स को अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे।